हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 24 अगस्त 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज पेपर और पीएबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका पीडीएफ और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएँ। क्वेश्चन है, 28 साल में पहली बार भारत की कौन सी टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगी? आंसर है कबड्डी। देखिए, एशियन गेम्स में भारत की पुरुष कबड्डी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में ईरान की टीम से हार गई और उसे अब ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। साल 1990 में एशियन गेम्स में कबड्डी की शुरुआत की गई थी और तब से ये टीम स्वर्ण पदक जीत रही थी, यानी गोल्ड मेडल। लगातार 7 बार चैंपियन रही और ये पहला मौका है जब भारतीय कबड्डी टीम फाइनल में भी नहीं जा सकी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मैसेंजर सर्विस देने वाली किस कंपनी ने मैसेज का स्रोत बताने से सरकार को इनकार कर दिया है? आंसर है व्हाट्सएप। देखिए, फेक न्यूज और भड़काऊ संदेश भेजने वाले लोगों को पकड़ने के लिए व्हाट्सएप ने सरकार को स्रोत बताने से इनकार कर दिया है। सरकार ने अपील की थी व्हाट्सएप से कि वो स्रोत बताए ऐसे लोगों के जो फेक न्यूज को प्रसारित कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने सरकार को साफ तौर पर बता दिया है कि वो कोई भी संदेश कहां से जारी हुआ है इसका स्रोत बताने में असमर्थ है। हर मैसेज का सोर्स बताने का मतलब होगा कि कंपनी की गोपनीयता संबंधित नियमों का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही कंपनी की तरफ से पिछले साल एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जो सुविधा ग्राहकों को दी गई है उसका भी उल्लंघन हो जाएगा। तो इसमें ग्राहकों को ये गारंटी दी गई है कि कोई भी तीसरा पक्ष उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। देखिए, 2 दिन पहले ही देश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सएप के प्रमुख क्रिस डेनियल्स से मुलाकात की थी और उनसे ये कहा भी था। तो आप ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप के प्रमुख हैं क्रिस डेनियल्स। एक और बात है इस पूरे मुद्दे में कि सरकार ये चाहती है कि उसे हर व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाए। तो अगर व्हाट्सएप इसकी अनुमति दे देता है कि वो कौन सा व्यक्ति कहाँ से मैसेज कर रहा है या किस व्यक्ति ने किसको मैसेज किया है, तो इससे सरकार की निगरानी पब्लिक पे काफ़ी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में किस खेल संगठन ने नया संविधान लागू किया है जिससे उस संगठन के जो अधिकारी थे उनके अधिकार छिन गए हैं? आंसर है BCCI। ठीक है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाल ही में BCCI के नए संविधान को हरी झंडी दी थी। तो अब BCCI ने चेन्नई के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु के साथ मिलकर नए संविधान को 21 अगस्त को रजिस्टर करवा दिया और लागू करवा दिया। इस संविधान में बहुत सारे नियम हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि इसके तहत कोई भी मंत्री, पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति क्रिकेट एसोसिएशन का पदाधिकारी नहीं बन सकेगा। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राजनयिक कुलदीप नैयर का निधन कब हुआ? आंसर है 22 अगस्त 2018। वो 95 ईयर के थे और आखिरी वक्त में भी वो लेखन और पत्रकारिता से जुड़े रहे। उनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1924 को सियालकोट में, जो अब पाकिस्तान में है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उनके परिवार को इंडिया आना पड़ा था। कुलदीप नैयर को आपातकाल के दौरान सरकार के खिलाफ लेख लिखने के कारण जेल भी जाना पड़ा था। वो 1996 में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, सदस्य थे। 1990 में उन्हें ग्रेट ब्रिटेन में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के कारण उनको 1997 में राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी काम किया था और उनके निधन के वक्त यानी ताशकंद में वहीं पर थे, उसी होटल में थे। कुलदीप नैयर ने देश विदेश के मशहूर अखबारों के लिए संपादकीय और लेख लिखे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी और उनकी आत्मकथा बहुत चर्चित रही। उनकी आत्मकथा का नाम था बियॉन्ड लाइन्स। वो अंग्रेजी में छपी थी, बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी आया, एक जीवन काफ़ी नहीं, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। उनकी किताब द जजमेंट और बिटवीन द लाइन्स काफ़ी चर्चित रही। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जैसे डिस्टेंट नेवर, अ टेल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया आफ्टर नेहरू, वॉल एट वाघा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया हाउस, स्कोफ, ये सब काफ़ी चर्चित रही उनकी किताब।
अगला क्वेश्चन है, वनडे के बाद अब टेस्ट रैंकिंग में भी दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर है विराट कोहली। अब तक वो दूसरे नंबर पर थे टेस्ट रैंकिंग में, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर थे, तो अब कोहली पहले स्थान पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, करीब 3 महीने तक कामकाज से दूर रहने के बाद किस केंद्रीय मंत्री ने 23 अगस्त को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभाला है? आंसर है अरुण जेटली। वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए करीब 3 महीने तक कामकाज से दूर रहे और इसके बाद वो अब काम पर लौट आए हैं। इस दौरान पीयूष गोयल ने उनके मंत्रालय का कामकाज देखा था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त को हलफनामा दायर करके केरल सरकार ने राज्य में भीषण बाढ़ की मुख्य वजह क्या बताई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है तमिलनाडु सरकार द्वारा मुल्लापेरी बांध से अचानक ही पानी छोड़ दिया जाना। ठीक है, मतलब कि केरल सरकार का कहना है कि बाढ़ की वजह बारिश तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बांध से अचानक काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा जाना था, तो इसकी वजह से दूसरे बांधों पर भी पानी का बहुत प्रेशर हुआ और उसके गेट खोल देने पड़े। इसकी वजह से पूरे राज्य में हर तरफ बाढ़ आ गई। देखिए, दरअसल मुल्ला पेरियार बांध जो है वो केरल के इडुक्की जिले में है, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु करता है। ये ऐतिहासिक बात है, बहुत पुरानी बात है। इस पानी से तमिलनाडु में सिंचाई का काम होता है। इसका निर्माण हुआ था 1887 से 1895 के बीच में। केरल सरकार का कहना है कि उसने तमिलनाडु सरकार को इस बांध के पानी को धीरे धीरे छोड़ने को कहा था, लेकिन अचानक पानी छोड़ दिया गया और उसकी वजह से बाढ़ आ गई। इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन है, केरल में बाढ़ की वजह से कितनी आबादी प्रभावित हुई? आंसर है 54 लाख। देखिए, केरल की कुल आबादी करीब करीब 3.48 करोड़ है, तो इसमें से 54 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की 23 अगस्त को ही बैठक में हॉटलाइन जल्द शुरू करने का फैसला हुआ है, तो चीन के रक्षा मंत्री का नाम बताएं। आंसर है वेई फंग हो। अगला क्वेश्चन है, 8 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम बताएं। इस कंपनी ने 23 अगस्त को ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL। देखिए, 23 अगस्त को 1.27% ग्रोथ के साथ रिलायंस के एक शेयर की कीमत 1262 रुपये हो गई और इसी की वजह से RIL पहली भारतीय कंपनी बन गई जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले एक साल में 60% की तेजी आई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने 23 अगस्त को चीन के 16 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर कितना प्रतिशत आयात शुल्क लागू किया है? आंसर है 25%। देखिए, इससे दुनिया की जो दो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके बीच व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वार और बढ़ गया है। इधर चीन ने कहा है कि वो इसका तत्काल जवाब देगा और उतनी ही राशि के अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाएगा। देखिए, चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर है वो जुलाई में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 अगस्त को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कहवा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है? आंसर है 6वां यानी 6th। देखिए, 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के सहयोग से किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स और किस देश की वायुसेना ने पहली बार मिलकर सुबंग एयरबेस से वायु अभ्यास किया? आंसर है मलेशिया। देखिए, मलेशिया में ही ये एयरबेस है, सुबंग एयरबेस। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नया मुख्य लोकायुक्त किसे बनाया गया है? आंसर है TP शर्मा। वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। वो छत्तीसगढ़ लोक आयोग का नेतृत्व करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 281 एंड बियॉन्ड किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? आंसर है VVS लक्ष्मण। इस आत्मकथा को नवंबर 2018 में लॉन्च किया जाएगा। बुक का नाम VVS लक्ष्मण ने 2001 में ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रनों की पारी से लिया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अध्ययन के मुताबिक भारत किस वर्ष में दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश हो सकता है?
आंसर है वर्ष 2050 तक। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2020 से किस कक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किए जाने की योजना बनाई है, प्रस्ताव बनाया है। आंसर है बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी 10वीं और 12वीं के। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक नए प्रारूप वाले क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट की विश्लेषणात्मक क्षमता यानी एनालिटिकल एबिलिटी को परखा जाएगा। तो माना जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान जो रटने की परंपरा चली आ रही है उस पर रोक लगेगी। सीबीएसई ने नियमों में बदलाव के लिए मानव संसाधन मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा है। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के इतिहास में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय निशानेबाज कौन है? आंसर है शार्दुल विहान। वो 15 साल के हैं और उन्होंने इंडोनेशिया में चल रहे 18वें एशियन गेम्स में 23 अगस्त को यानी कल ही पुरुष डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इसी के साथ वो एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय शूटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के 5वें दिन टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने कौन सा मेडल जीता? आंसर है ब्रॉन्ज। देखिए, महिला एकल वर्ग में अंकिता ने ये कांस्य पदक जीता है। अंकिता जो है वो मूल रूप से कश्मीरी हैं लेकिन उनकी परवरिश यानी लालन पालन गुजरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची तैयार की है, उसमें बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का स्थान कैवा है? आंसर है 7वां। देखिए, रियो ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु ने जून 2017 से जून 2018 के बीच में $85 लाख कमाए हैं। इसमें इनाम में जीती राशि और विज्ञापन की फीस भी शामिल है। यहाँ एक और बात बता दूँ कि फोर्ब्स की इस सूची में सबसे ऊपर टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स का नाम है। तो ये था 24 अगस्त का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब करेंट अफेयर्स का अगला वीडियो कल मॉर्निंग को आएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। करेंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके PDF का भी लिंक वहाँ मौजूद है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वन लाइनर है वो। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप पहली बार YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन है इसे भी ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।